चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की वी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन और आपका वीकेंड जबरदस्त रहा दोस्तों। वैसे ये जो सैटेलाइट फीचर है इमरजेंसी SOS आईफोन का, वो बहुत काम आ रहा है लोगों के। अब कनाडा में दोस्तों दो महिलाएं थे, उनकी जान बच गई इसकी वजह से। बेसिकली वो जा रहे थे किसी विलेज में दोस्तों, और वहाँ पे सेलफोन रिसेप्शन नहीं था, भूल गए रास्ता कहीं पे और चले गए, एंड उधर सेलफोन रिसेप्शन नहीं था। कुछ 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद फिर याद आया उसमें से एक महिला को कि भाई आईफोन 14 में ये फीचर है, और उन्होंने SOS फीचर इस्तेमाल किया और एप्पल कॉल सेंटर को कॉन्टैक्ट किया, और उसके बाद में लोग आए, उन्होंने बचाया उनको। सो यस, दिस सैटेलाइट SOS फीचर इज वर्किंग रियली वेल। आई थिंक कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने इंसिडेंसेस होने के बाद, मुझे लगता है सब एंड्रॉयड फोन्स में भी आना चाहिए, इवन मिड रेंज फोन्स में। सीरियसली आपको क्या लगता है जरूर बताएगा। वैसे टेक्न्यूज अच्छी लगती है, लाइक करना मत भूलिए। बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेस की दोस्तों। OnePlus Ace 2 जो है ऑफिशियली कंफर्म हो गया है चाइना के लिए, फेब 7 को लॉन्च होने वाला है। फेब 7 को कितने सारे फोन लॉन्चेस है पूछेगा मत। और अलर्ट स्लाइडर है OnePlus में, अलर्ट स्लाइडर इज मेकिंग अ कमबैक। 2022 में फोन्स आए थे OnePlus के जिसमें अलर्ट स्लाइडर जो उनकी सिग्नेचर चीज थी वो गायब हो गई थी। वैसे दोस्तों OnePlus 11R जो है वो सेम डिवाइस होने वाला है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, जो Ace 2 होगा वो इधर 11R के नाम से आएगा। वैसे अगर 11R के बारे में बात करूं उनके स्पेक्स के, तो 1.5K 120Hz 6.7 इंच की AMOLED स्क्रीन आती है, 8+ Gen 1 पे, 16GB तक रैम होने वाली है, 512GB स्टोरेज, 50MP अगर ट्रिपल कैमरा सेटअप, 100W चार्जिंग एंड 5000mAh बैटरी, दैट इज OnePlus 11R फॉर यू। ऑलराइट दोस्तों, और एक फोन कंफर्म हो गया है इंडिया में आने वाला है, ओप्पो रेनो 8T, जिसके बारे में मैंने बात की हुई है एक दो बार। वैसे दो तीन चीजें भी बाहर आ गई है। कर्व्ड 3D कर्व्ड डिस्प्ले होने वाला है इसके अंदर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, ये 5G प्रोसेसर होने वाला है, 4800mAh की बैटरी है इसके अंदर, एंड 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। सो या, Oppo Reno 8T is coming very very soon। वैसे Realme दोस्तों, उनका Realme GT Neo 5 चाइना में जो लॉन्च होने वाला है वो टीज करना उन्होंने चालू कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो डेट होने वाली है वो फेब 8 को है। अगेन 1.5K इंच की AMOLED 144Hz की स्क्रीन होने वाली है, 6.74 इंच बड़ी होने वाली है, 8+ Gen 1 पे, 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 16GB रैम, लेकिन 1TB तक स्टोरेज होने वाला है सबसे ऊपर वाला वेरियंट, एंड सबसे बड़ी बात 240W चार्जिंग होने वाला है इसमें। यस, दैट इज Realme GT Neo 5 is for you। WTF News of the Day, Facebook क्या क्या करता है दोस्तों? जो अब ये खबर आ गई है ना, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज, मैं भी सरप्राइज हो गया। एक फॉर्मर मतलब एम्प्लॉई हैं जिनको निकाल दिया था फेसबुक से, जिनका नाम है जॉर्ज हेवर्ड, उन्होंने कंपनी को अक्यूज किया है कि वो इलीगली फोन के बैटरीज जो है ड्रेन करते हैं। उन्होंने कहा है कि फेसबुक और उनका जो मैसेंजर है ये बेसिकली पर्पजली ड्रेन करते हैं यूजर्स की बैटरी को नेगेटिव टेस्टिंग करने के लिए। जी हाँ, और जब इन्होंने जॉर्ज ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई नहीं, मैं ये करने नहीं वाला हूं क्योंकि यूजर्स को उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, तो उसे निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया दोस्तों। अब उन्होंने एक लॉसूट फाइल कर दी है मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में। सोचिए, मतलब ये सब चीजें फेसबुक हमारे साथ करता है। मतलब ऑर्डिनरी यूजर्स के बैटरी ड्रेन होते हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, बैटरी क्यों ड्रेन हो रही है। कल्प्रिट कहीं और बैठा हुआ होता है सात समुंदर पार, फेसबुक मैसेंजर। जी हाँ, चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओप्पो पैड 2 बहुत ही जल्दी आ रहा है, उसके स्पेसिफिकेशंस हो गए। ये जो है ना, ये एक फ्लैगशिप टैबलेट के जैसे लग रहा है, क्योंकि बड़ी 11 इंच की 2.8K स्क्रीन होने वाली है, 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट भी होने वाला है, एंड डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर होने वाला है, बड़ी 9500 mAh की बैटरी, 67W चार्जिंग होने वाला है। OnePlus पैड जो है ना, और OnePlus पैड, Oppo पैड 2 एंड OnePlus पैड, ये दोनों लग रहा है सेम ही है। अब देखते हैं रीब्रांडिंग होके आते हैं, क्योंकि क्लाउड 11 का जो अब लॉन्च इवेंट होने वाला है उसमें OnePlus का पैड भी आ रहा है, शायद ये हो सकता है शायद। Oppo Find X6 के लीक्ड लाइव इमेजेस जो है रिवील करते हैं उसका कैमरा मॉड्यूल। जी हाँ, लॉन्च तो बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन अगर मैं Find X6 के बारे में बात करूं तो ये Hasselblad ट्यून कैमराज होने वाले हैं, 2K कर्व डिस्प्ले, 120Hz AMOLED, डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर, तो ये सब फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। ये जो है ये लॉन्च फरवरी 2023 में, मतलब अगले महीने में, दो ही दिन है अगले महीने के लिए, लेकिन आ रहा है फरवरी। ऑलराइट, द बिग न्यूज़, Samsung Galaxy S23 जो है दोस्तों, इसके प्राइसेस लीक हो गए हैं। बेस वेरिएंट S23 की प्राइस 79999 होने वाली है, S23 प्लस की प्राइस 89999, एंड
वेट फॉर इट, S23 अल्ट्रा 1,15,000 का होने वाला है। सो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड दिस टाइम। OnePlus Nord Buds 2 ब्लूटूथ सिग वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब लॉन्च इज इमिनेंट, कमिंग वेरी वेरी सून। इनफैक्ट ऑलरेडी IMDA, CQC एंड BIS के ऊपर भी आ गया, तो लॉन्च तो होने ही वाला है। और दोस्तों एक बात कहूं, OnePlus Buds Ace जो चाइना में लॉन्च होने वाला है OnePlus Ace 2 के साथ, जिसकी खबर मैंने ऑलरेडी दी है, वो इंडिया में Nord Buds 2 के नाम से आने वाला है। कनेक्टिविटी में दोस्तों ब्लूटूथ 5.3 है एंड टाइप सी पोर्ट आता है इसके अंदर, सो लेट्स वेट फॉर इट, इट्स गोइंग टू कम वेरी सून। Motorola Edge 40 Pro के डिजाइन रेंडर्स, प्राइस सब लीक हो गए हैं दोस्तों। वैसे ये MWC 2023 में जो अभी होने वाला है फेब एंड में, उसमें ये लॉन्च होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है। इसमें भी कर्व्ड FHD प्लस 165 हर्ट्ज वाली एमोलेड स्क्रीन है, ओलेड स्क्रीन है, 8 Gen 2, मतलब सब जो फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस है वो आने वाले। 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, 125 वॉट चार्जिंग। So yeah, looking good. वक्त होता है स्टील द डील का। जी हाँ, ये डील आप स्टील कीजिए। Nord CE2 Lite 18999 में मिल रहा है दोस्तों, एंड OnePlus 10R, दो डील दे रहा हूं, एंड OnePlus 10R जो है 32999 में अमेजोन के ऊपर मिल रहा है। प्रोडक्ट टैग किए हुए हैं इस तरफ दोस्तों, जाके जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, गो एंड चेक इट आउट। टाइम फॉर रैपिड फायर, ये आपका फेवरेट सेगमेंट होता है। सैमसंग वन यू आई 5.1 के फीचर्स बाहर आ गए, जो सैमसंग गैलेक्सी S23 में होने वाला है। इसमें कैमरा कलर टोन एडजस्टमेंट होने वाला है, इंप्रूव्ड गैलरी ऐप मतलब अपडेटेड गैलरी ऐप, एंड विजेट्स भी ज्यादा होने वाले हैं। सो या दैट्स व्हाट इट इज, वन यू आई 5.1। फायरबोल्ट सैटर्न, फायरबोल्ट टॉक 3, फायरबोल्ट निंजा फिट स्मार्ट वॉचेस इंडिया में लॉन्च हो गए। प्राइस जो है 1299-1300 से चालू होती है। वैसे OnePlus ने OnePlus V Fold एंड V Flip ट्रेडमार्क कर दिए हैं, मतलब फोल्डेबल एंड फ्लिपेबल फोन आ रहे हैं। ये जो अगली खबर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली उनको अच्छा नहीं लगने वाला है। चैट जीपीटी की बहुत मदद हो रही है आजकल उनको, लेकिन इंडियन, फ्रेंच, US कॉलेजेस ने एंड यूनिवर्सिटीज ने बैन कर दिया है चैट जीपीटी। Yes, आपको पता है क्यों? स्टूडेंट्स आजकल उनके ऐसे सब कुछ कोड सब कुछ लिखने के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ट्रैक इन टेक न्यूज खबर नंबर 1440 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।